हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बागेश्वर बाबा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अब नशे के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। बाबा अब लोगों को नशा ना करने और नशीले पदार्थ न बेचने की शपथ दिलवा रहे हैं। नशाखोरी के खिलाफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी पहल की है। बागेश्वर धाम में आसपास के गांव के लोगों से भेंट करने उन्होंने एक कार्यक्रम रखा। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सभी को नशा न करने और नशीले पदार्थ न बेचने की शपथ दिलाई। दर्जनों गांव के लोगों ने शपथ लेते हुए कहा कि ना तो वह स्वयं नशा करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। जो व्यक्ति गांव में नशाखोरी करेगा व नशीले पदार्थ बेचेगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की इस पहल से यदि ग्रामीण सच्चे रूप से जुड़ते हैं तो यह पहल मील का पत्थर साबित होगी। दरअसल बागेश्वर धाम के आसपास के गांव में बिकने वाली अवैध शराब को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। बागेश्वर धाम में अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती बरती जा रही है, लेकिन आसपास के गांव में अभी भी जमकर शराबखोरी हो रही है। बागेश्वर धाम का जो हमारा गाँव है ग्राम गढ़ा, दशहरा मिलन समारोह था तो सभी गढ़ा बंदिया संगना गंज पहरा टोरिया आदि आदि क्षेत्र के लोग सब लोग एकत्रित हुए थे। हम सब ने मिलकर के वर्तमान में असामाजिक तत्व बहुत बढ़ रहे थे और बहुत सी नशा की शिकायत आसपास में मिल रही थी। तो आज हम सब ने मिलकर के प्रण लिया है कि ग्राम में कोई भी मदिरा बेचेगा या पिएगा तो उसको आर्थिक दंड दिया जाएगा और समाज से उसे दूर रखा जाएगा। ए भाई साहब, सब चले हाथ जोड़ के चीज बनते हैं कि अपनी अपनी समाज का इंतजाम करना। जो कोई दारू और गांजा पी के मिले उसको जरीमाना 5,000 रुपये लगेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।